अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे लिए तो ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं आज पाकिस्तान की शान यानी कि समंदर। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा समंदर देखने का, देखते हैं कि ऐसा होता है। चले, ये हमारे कज़न जा रहे हैं, ये सब सामान उठा के जा रहे हैं। इस वक्त हम बलोच पुल पे हैं, आज का प्लेन हमारा हो गया कैंसिल। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कभी प्लेन बनाएंगे दूसरा। ये तो बहुत खतरा है, तो अभी फिलहाल लौटते हैं वापस घर की तरफ, हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस चल रहे हैं खाना खाने के लिए, चलते हैं खाना खाने के लिए। पहले तो ये सीढ़ियाँ उतरो। ये आ गई भाई हमारी बिरयानी, आज का हमारा नाश्ता होगा बिरयानी के साथ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अफराद तो गुलशन है जोहर में मौजूद थे, यहाँ पे खड़े क्यों खड़े ये हम नहीं बता। मसला ये कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इस वजह से हम यहाँ पे खड़े। आज रात भी कराची में बरसात हुई, बरसात का ये पानी खड़ा हुआ है अभी। आज बहुत दिनों के बाद दोपहर के खाने का इंतजाम में हमारे पास है पकौड़े। बिस्मिल्लाह। सुभानअल्लाह, पकौड़ों की एक अपनी ही अलग ही बात है भाई। तो भाई जैसे कि आज है जुमे का दिन, तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए हम चलते हैं। यहाँ पे बहुत मस्जिदें हैं, आप किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं। पहले मैं एक मस्जिद में गया था जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, आज किसी और में जाऊँगा। चले जैसे कि शाम गोश किया, अभी हम निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। हाईवे हमारा वहाँ पे क्या काम यार, अपनी वहाँ पे जॉब है, गार्ड की जॉब है, कोई इतनी बड़ी नहीं है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी ठीक है, ये लग गई भी हमारी क्या मस्कन की मस्त टैंकी। भाई कुछ तो हम पैदल जाएंगे, बाकी का रास्ता हम किराए करके रिक्शे पे देखेंगे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में। पहली बार हम यूनिवर्सिटी आए, और पहले हम रिक्शे में आए, बाद में बस में आए। फर्स्ट टाइम हम कराची में अकेले कहीं आए। वाह, आज क्योंकि हमारी नाइट ड्यूटी है तो आज पता चलेगा कि हम नाइट के काबिल हैं या काबिल नहीं। यार आज बड़ी हलचल है क्योंकि कन्वोकेशन है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई जान आज जैसे कि हमारी छुट्टी थी, तो छुट्टी के दिन चलते हैं, कोई सर्दियों का भी मौसम आ चुका है तो अपने लिए कोई शाल वगैरह खरीदते हैं, चलते हैं कराची के बाजार में। बिस्मिल्लाह। भाई जान ये सामने से एक पहाड़ नजर आ रही है, ख्वाहिश है कि इस तक पहुंच जाऊं पैदल, लेकिन पैदल जब जाते हैं तो ये बहुत ही दूर हो जाती है। भाइयों और बहनों लगता है कि सर्दी आ गई, ये देखें जब धुएं निकले मुंह से तो समझो सर्दी आ गई। भाई साहब सुबह सुबह की खुशखबरी,
नाइट ड्यूटी करके अभी अभी ड्यूटी से उतरे हैं, तो भाई साहब बोलते हैं कि भाई बस के साथ जाओ। अब बस हमें ले जाएगी मलीरखंड, मलीरखंड से हमें उठाने स्टूडेंट्स, उनको छोड़ेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से फिर हम तो रिक्शे में ही जाएंगे भाई, हमें तो बस पहुँचाने के लिए नहीं जाते। वैसे यार पहले हम सोचते थे, अक्सर दिल में ख्याल आता था कि यूनिवर्सिटी की जो गाड़ियाँ जाती हैं बसेस वगैरह, इनमें हम भी कभी बैठे, तो आज बैठना नसीब हुआ है। वैसे बैठ तो मैं बहुत दिनों से रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट की हैसियत से नहीं बैठ रहा हूँ, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही। क्या है कि यहाँ पे मैं बन के बैठा हूँ गार्ड, सबकी जिम्मेदारी हम पे भाई, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इंशाल्लाह नहीं पहुँचेगा अल्लाह ने चाहा तो। बाकी मैं मलीर दिखा दें आपको, हम ही देख दें आपको, हम कम ही दिखाएंगे, हम ही देखेंगे, क्योंकि हम तो कराची पहली मरतबा है भाई। सबसे पहले तो ये देखें कबूतर, सही बोला था किसी ने, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर, पहले बस पर था और अभी रोड पर पैदल। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू सुबह सवेरे सवेरे। बाबा सिंह वो कहते हैं ना कि नौकर छात नखरा छा, जैसे कि हुक्म मिला है बाबा सुबह सवेरे सवेरे पहुंचो 7 बजे, तो सवेरे सवेरे जा रहे हैं। हमारे साथ आमिर भाई हैं, शुएब भाई हैं, और सामने से गाड़ियां भी आ रही हैं, हम बीच रोड पे जा रहे हैं। माशाल्लाह सुबह का मौसम है, बहुत ही अच्छा अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। आपके भाई ने सिर्फ ये सिंगल शर्ट पहनी हुई है, अंदर से वो क्या कहते हैं बने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है रे बाबा।